हरियाणा राज्य विद्युत निगम ने सिरसा के एक उपभोक्ता को करारा झटका दिया है। इंद्रपुरी मोहल्ले में रहने वाले अभय सिंह को 75 लाख रुपए का बिल निगम की ओर से भेजा गया है। इतना भारी भरकम बिल पाकर अभय सिंह का पूरा परिवार सदमे में है। सीनियर सिटीजन अभय सिंह दिल और टीबी की बीमारी के मरीज हैं। अभय सिंह निगम के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई करना चाहते हैं हम, जिसने ये ऐसा किया है। तो रात को सो भी नहीं पाया अच्छी तरह। हार्ट अटैक का मरीज हूँ, टीबी का मरीज हूँ मैं। अधिकारियों ने ये लापरवाही की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक करवाने की कोशिश करी है, दो तीन बारी जाके भी आए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। हम ये बिल जो है ना सही करवाना चाहते हैं, और भविष्य में ऐसी ये गलती बिजली विभाग ना करे। अभय सिंह को गलत बिल भेजने का यह सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा है। शुरुआत अप्रैल में हुई थी, जब उनको 1 लाख रुपए का बिल भेजा गया था। अभय सिंह अपना बिल सही करवाने के लिए विद्युत निगम के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विद्युत निगम ने अपनी गलती को सही करने की बजाय अभय सिंह को 75 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। इस बिल में अभय सिंह के परिवार की ओर से करीब 10 लाख यूनिट की खपत दिखाई गई है। नियत समय पर भुगतान न करने पर उपभोक्ता को 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात भी बिल में दर्ज है। आइए सुनते हैं पीड़ित उपभोक्ता अभय सिंह की बात। 70 लाख तो आना नहीं चाहिए जी, बिजली विभाग की लापरवाही है। और हमारा पहले बिल 70 था, 5,000 या 4,500 जो भी है इतना आता था, हम भरते रहे हैं। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। बिल जो है ना ठीक करा जाए। ठीक करवाने की कोशिश करी है, दो तीन बारी जाके भी आए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। दोस्तों, अभय सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट भी दर्ज करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।